तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने कल जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो मैंने पार्ट बताया था। आज मैं पार्ट दिखा रहा हूँ और देखोगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले फ्लावर के बाहर वाले पार्ट को हमने कैलिक्स कहा था। ये देखो, ये ग्रीन कलर का पोर्शन है और ये है धतूरा का फूल, इसका नाम है डेटूरा मेटल। किस चीज़ का फूल है? सभी लोग ये फ्लावर देखे होंगे तुम लोग। इसी का एक मैं और फ्लावर दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, इस फ्लावर में क्या देख रहे हैं, इस फ्लावर में कैलेक्स पूरी तरह से फ्लावर को कवर किया हुआ है। अच्छे से देखो, कैलेक्स क्या क्या है, पूरी तरह से फ्लावर को अभी कवर्ड किया हुआ है। लेकिन इस फ्लावर में ये थोड़ा मेच्योर्ड फ्लावर है, इसीलिए कोरोला अब बाहर निकल आया है। ये कोरोला है ना, नीचे का ये पोर्शन कैलेक्स है। तो कैलेक्स के यूनिट को हमने क्या कहा था, ये जो कैलेक्स के ग्रीन कलर का जो यूनिट है ना, तो कैलेक्स यूजुअली ग्रीन ही होता है यूजुअली। और इसके यूनिट को हमने क्या नाम दिया, इसके यूनिट का नाम हमने रखा था सेपल। सेपल देखो, ये डेटूरा के प्लांट में कैसा दिख रहा है, डेटूरा के प्लांट में ये सारा आपस में यूनाइटेड है, मतलब सारा कैलेक्स आपस में जुड़ा हुआ है। हमने जो टर्म यूज किया था वो था गैमोसेपलस, है ना। अब हम लोग आते हैं, इसके कोरोला की बारी आ गई। तो कैलेक्स देखो, और एक चीज दिखा रहे हैं, ये फ्रूट में देखो, ये फ्रूट में भी कैलेक्स लगा हुआ है। नॉर्मली कैलेक्स फ्लावर जो ही खिलता है या फ्लावर के साथ ये जब विदर करता है, जब ये फ्रूट बनना शुरू होता है, नॉर्मल प्लांट में कैलेक्स एंड कोरोला दोनों विदर हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन डेटूरा जिस फैमिली का प्लांट है ना, ये सोलेनेसी फैमिली कहलाता है। ये तुम्हारे 11th के सिलेबस का पार्ट भी है, सोलेनेसी फैमिली सिलेबस का पार्ट भी है। और हमने क्या कहा, इसमें देखो ये कैलेक्स लगा हुआ है किससे, फ्रूट से। ये डेटूरा का फ्रूट है, हमने देखा होगा, ये बहुत कॉमनली दिखता है। और एक कॉमनली जो प्लांट दिखता है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल सबके घर में होगा, है ना। और ये देखो कैलेक्स इसमें लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसे कैलेक्स को, नॉर्मली कैलेक्स फ्रूट तक तो नहीं रहता है बल्कि फ्लावर तक लगा रहता है। तो ये हम लोग कैलेक्स की बात कर रहे हैं और इसके यूनिट को कह दिया हमने सेपल। सेपल के बारे में हमने कहा ये नॉर्मली ग्रीन इन कलर दिखता है। अब बताओ, डेटूरा के केस में तुमसे पूछेंगे सेपल कैसा है, इसका यूनियन बताना है, तो क्या करेंगे, सेपल को देखेंगे ये फ्री है या यूनाइटेड है। तो तुम बोलोगे सर ये तो नीचे से यूनाइटेड दिख रहा है लेकिन ऊपर फ्री दिख रहा है, अब इसका क्या नाम दें, है ना कंफ्यूजिंग चीज। नीचे का पोर्शन तो यूनाइटेड दिख रहा है और ऊपर का पोर्शन कैसा दिख रहा है, फ्री दिख रहा है, सर इसका क्या नाम दें। तो बच्चों इस बात को समझो, कोई भी पोर्शन अगर इसका जुड़ा हुआ है, थोड़ा भी पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं गैमो, मतलब यूनाइटेड। तो ये क्या कहलाएगा, गैमो सेपलस कहलाएगा। तो कैलेक्स के बारे में जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अब हमारे हाथ में एक फूल है, फ्लावर है डेटूरा का। ये फ्लावर को दिखा के हम बहुत अच्छी तरह से तुमको समझा पाएंगे और तुमको भी ज्यादा अच्छी तरह से बातें समझ में आएंगी। तो ये कैलेक्स हो गया, कैलेक्स के यूनिट को क्या नाम दिए थे हमने, सेपल। ये पूरे ग्रीन कलर के पोर्शन को हमने कैलेक्स कहा। और देखो ये क्या कर रहा था, बड कंडीशन, ये फ्लावर का बड कंडीशन है। इस कंडीशन में, ये बड कंडीशन में क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था, पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। तो कैलेक्स के बारे में हम लोग चार बातें जाने। कैलेक्स ग्रीन कलर का पहला वर्ल्ड है, ये देखो बाहर से पहली तरफ पहली बार दिख रहा है ना, तो इसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड। तो कैलेक्स को हम लोगों ने नाम दिया फर्स्ट, मतलब पहला वर्ल्ड, मतलब घेरा, है ना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड। यूनिट इज कॉल्ड सेपल। यूजुअली दे आर ग्रीन इन कलर, कभी ज्यादातर केस में ये ग्रीन इन कलर है, और जब ये जुड़ा रहता है तो उसका नाम दिए गैमोसेपलस। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जहां पे ये फ्री होता है, तब हम लोगों ने इसका नाम दिया, पॉली का मतलब होता है फ्री, और अब हम लोगों ने इसका नाम रख दिया पॉलीसेपलस। ये कैलेक्स का फ्यूचर तीन तरह का होता है ना। कैलेक्स भी अपने फ्यूचर को दिखाने के लिए पंडित जी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है। अब पहला कैलेक्स हम लोगों ने इसका फ्यूचर मैं डिस्कस कर रहा हूं, कैलेक्स का देखो फ्यूचर क्या क्या है। एक कैलेक्स गया, ये पंडित जी स्पेशली कैलेक्स के लिए बने हुए हैं और अपना ऑफिस बनाए हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। बाहर काउंटर पे एक उसका कौन है, रिसेप्शनिस्ट है, जिसका काम है पैसा लेना। पहला कैलेक्स अंदर गया और जो ही पंडित जी को अंदर दिखाने के लिए, पंडित जी की फीस है 250 रुपीज, ये पंडित जी की फीस है, वो 250 रुपए बाहर जमा किया और अंदर गया।
लाइन से कई फ्लावर बैठे हुए थे अपने अपने कैलेक्स का फ्यूचर जानने के लिए। पहला कैलेक्स जो ही अंदर गया, पंडित जी उसका हाथ देखते ही इसके पैसे को वापस उसके हाथ पे रख दिए और क्या कहे, कहे मैं आपका हाथ नहीं देखूंगा। ये कैलेक्स परेशान हो गया, पूछा पंडित जी बताइए क्यों नहीं हाथ देखेंगे। पंडित जी ने कहा आपका भविष्य अच्छा नहीं है, इसीलिए आपके पैसे मैं वापस कर रहा हूं। तो ये कैलेक्स बहुत ही इंसिस्ट किया, बोला नहीं पंडित जी आप बताइए इसको। तो पंडित जी ने क्या कहा, तुम्हारा भविष्य कैड्यूकस है। क्या कहा पंडित जी ने, तुम्हारा भविष्य कैड्यूकस है। ये कुछ नहीं समझा, तुम भी नहीं समझे होगे, समझ में आया कैड्यूकस का, क्योंकि पंडित जी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी। तो कैलेक्स फिर परेशान हुआ और बोला नहीं पंडित जी पूरी बात को एक्सप्लेन कीजिए। अब पंडित जी ने कहा तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है, बहुत ही खराब है। फिर वो बोला कि हम बताइए कितने दिन मेरी लाइफ है। तब पंडित जी ने कहा कि बच्चे, कैड्यूकस को किसको कह रहे हैं, कैलेक्स को कह रहे हैं, बच्चे ज्यो ही फ्लावर खिलेगा तुम फ्लावर से टूट के नीचे गिर जाओगे। क्या कहा पंडित जी ने, एज सून एज फ्लावर ओपन यू विल वीदर फ्रॉम द प्लांट। मतलब कैलेक्स वीदर्स, टूट जाता है, कैलेक्स वीदर्स एज सून एज फ्लावर ओपन, एज सून एज फ्लावर ओपन। ऐसे कैलेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैड्यूकस कहते हैं। ऐसे कैलेक्स का नाम दिया गया कैड्यूकस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे एक कैलेक्स है जो बॉडी से लगा हुआ फ्रूट के, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल होता पॉपी का फ्लावर। पॉपी का फ्लावर जब हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं ना, तो देखना बड कंडीशन में तो कैलेक्स दिख रहा होता है, हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं पॉपी को, और जो ही फूल खिलता है ना, सिर्फ ऑरेंज कलर का, रेड कलर का पॉपी का फ्लावर दिखाई दे रहा होता है। तुम ध्यान से देखोगे तो कैलेक्स नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब जो ही फूल खिला वो कैलेक्स इसके बॉडी से टूट गया। तो ऐसे कैलेक्स को हमने नाम दिया कैड्यूकस। ये पहले कैलेक्स का फ्यूचर था। अब दूसरा भी कैलेक्स पंडित जी के लाइन में लगा हुआ था और दूसरा कैलेक्स अंदर गया। दूसरे कैलेक्स को देखते ही पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा भविष्य ठीक ठाक है, ये 250 रुपीज अपना बाहर चार्ज किए और देखे। तो ये पूछा कि हमको पंडित जी बताइए, तो पंडित जी ने फिर कहा तुम्हारा भविष्य डेसीड्यूस है। क्या बताया पंडित जी ने, तुम्हारा भविष्य डेसीड्यूस है। इसका मीनिंग पूछा गया पंडित जी से, तो पंडित जी ने कहा तुम्हारा लाइफ फ्लावर के साथ अटैच्ड है, जब तक फ्लावर है तब तक तुम साथ साथ रहोगे, जिस दिन फ्लावर टूटेगा, फ्लावर वीदर करेगा, उसी दिन तुम भी उससे ब्रेक करोगे। तो डेसीड्यूस का मतलब क्या हुआ, कैलेक्स वीदर्स अलोंग विथ फ्लावर। कैलेक्स किसके साथ टूटेगा, वीदर करेगा, कैलेक्स वीदर्स अलोंग विथ फ्लावर, ये फ्लावर के साथ ब्रेक कर जाएगा। ये नॉर्मल फ्लावर का कंडीशन है ना, नॉर्मल फ्लावर सारा ऐसा ही होता है, ज्यादातर फ्लावर ऐसा ही होता है, जब फूल टूटता है उसके साथ साथ कैलेक्स भी टूट जाता है। ये दूसरी बात हमने बताई। अब चलो तीसरी बात पे। अब ये तीसरा कैलेक्स जब गया 250 रुपए अब आगे दिया, तो पंडित जी फिर इसका हाथ देखे और फिर 250 रुपए इसके हाथ पे रख दिए, बोले 250 रुपए में तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे। तो ये पूछा पंडित जी ऐसी कौन सी बात है, बोले ऐसे ही खुशी की बात है तुम्हारे साथ, तुम्हें 500 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये बेचारा बहुत खुश था लेकिन पंडित जी बता नहीं रहे थे कि बात कौन सी है, इसीलिए ये 500 रुपए का पेमेंट किया और पंडित जी को अपना हाथ दिखाया। अब पंडित जी ने कहा कि अभी भी नहीं है बताएंगे, पहले मेरे पैर को छुओ और हमसे आशीर्वाद लियो। जो ही कैलेक्स उनके पैर को छूता है, पंडित जी उसको संस्कृत और इंग्लिश की भाषा में आशीर्वाद देते हैं और पंडित जी इसको कहते हैं परसिस्टेंट भव। क्या बोले पंडित जी, परसिस्टेंट भव। अब वो पूछा पंडित जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट, ये आपने क्या आशीर्वाद दिया। तब पंडित जी ने कहा कि कैलेक्स तुम चिरंजीवी रहो। कैसे रहो, तुम चिरंजीवी रहो, फूल तो टूट जाएगा लेकिन तुम फल में भी लगे रहोगे। ये देखो फल में भी लगा हुआ दिख रहा है। ऐसे कैलेक्स को हम लोगों ने परसिस्टेंट कैलेक्स का नाम दिया। तो परसिस्टेंट कैलेक्स क्या हो गया, परसिस्टेंट कैलेक्स हो गया कैलेक्स रिमेन अटैच विथ फ्रूट, रिमेन अटैच विथ फ्रूट, है ना, तो ये फ्रूट से भी लगा रहता है। ऐसे कैलेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। तो ये तीन तरह का फ्यूचर होता है कैलेक्स का, तीन तरह का फ्यूचर हमने बताया।
एक कैड्यूकस कैलेक्स फ्लावर के खिलते ही टूट जाता है, हम लोग इसको कहते हैं कैड्यूकस। दूसरा, फ्लावर के साथ साथ कैलेक्स विदर करता है, ये कॉमन फ्लावर की बात होती है, हम लोग इसको कहते हैं डेसीड्यूस। लेकिन तीसरा कैलेक्स कैसा होता है, तीसरा कैलेक्स हम देखते हैं किसमें, ब्रिंजल में देखते हैं, पेड़ में देखो जाके ब्रिंजल लगा हुआ, टोमेटो जाके देखो लगा हुआ, सबके घर में हो सकता है एक दो गाछ लोग लगाते हैं शौक से, और अगर जमीन होती है तो लोग खेती के लिए लगा लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें चिली को देखो जाके लगा हुआ, इन सभी प्लांट में क्या लगा हुआ है, कैलेक्स फ्रूट के साथ अटैच है। फ्लावर तो टूट गया लेकिन कैलेक्स अटैच है, किसके साथ अटैच है, ये अभी भी फ्लावर से फ्लावर टूटा है लेकिन ये अभी भी फ्रूट के साथ अटैच्ड है, ऐसे कैलेक्स को हम लोग परसिस्टेंट कैलेक्स कहते हैं। ये एक फैमिली का कॉमन कैरेक्टर है, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। क्या नाम है फैमिली का, सोलेनेसी। तो ये हम लोग कैलेक्स से रिलेटेड कुछ बात जाने, और कल जो हम लोगों ने बताया था कैलेक्स के बाद, हमने सारी चीजों को आज तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलेक्स के बाद कलर्ड पोर्शन को हम लोग कोरोला कहते हैं। ये देखो कोरोला, ये पेटल्स है, बेसिकली ये क्या है, पेटल्स है ना। ये जो पेटल्स हम लोग दिखा रहे हैं, ये पेटल्स 5 था, इसके टिप को काउंट करते हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5, इस टिप को काउंट करके हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ पेटल इज 5। ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, आपस में जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको कहते हैं गैमोपेटलस। गैमो का मतलब क्या बताए थे, यूनाइटेड। तो ये टर्म हो गया गैमोपेटलस। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड दो तीन बातें और बता रहे हैं हम लोग, है ना। पहली बात ये है कि इसका शेप कैसा है, तो जरा से इस डायग्राम को देखो और इस फ्लावर को देखो, तुमको इसका शेप दिखाई देगा। पहला शेप कैसा दिखाई दे रहा है, जरा सा ध्यान से देखो, ये जो शेप हम लोग दिखा रहे हैं ये बिल्कुल फनल शेप्ड है। यहां पर हम लोग फ्लावर के कुछ शेप की चर्चा कर रहे हैं, ये देखने में कैसा है, फनल शेप्ड है। कीप के आकार का है, घर में तेल डालना हो और कीप ना मिले, धतूरा का फ्लावर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये नीचे से कटिंग करेंगे और ऊपर से तेल डाल देंगे, तो ये कीप के समान था। तो ये एक शेप हम लोग दिखा रहे हैं, फ्लावर के शेप को डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मली ये सारे चीजों को मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे चूंकि ये फ्लावर हमारे पास है इसलिए मैं बता रहा हूं कुछ चीजें, सिर्फ कुछ चीजें बता रहा हूं। इस शेप को हम लोग कहते हैं फनल शेप, है ना। तो ये एक तुमको कॉमन शेप दिख गया, ऐसा कहां मिला, डेटूरा के केस में। ये जो फ्लावर हमारे हाथ में है ये कौन सा फ्लावर है, डेटूरा का फ्लावर है। अब जरा सा फ्लावर को बहुत अच्छे से देखो हम, अब देखो मजेदार बात, ये तो देखने में कैसा दिख रहा था, ये खोल दिए, ये दिख रहा है फनल शेप। अब पूजा करने बैठे और घंटी नहीं मिल रही थी लेकिन धतूरा का फ्लावर मिल गया। अब ऐसे इसको उलट दिए और यूं हिला दिए, भगवान जी समझ गए, भगवान जी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो देख लिए कि हाँ घंटी बज रही है। मतलब अगर ऐसा कोई शेप मिले, मतलब जैसे धतूरा होता लेकिन वो उल्टा हुआ दिख रहा हो, ऐसे दिख रहा हो नीचे, बेल शेप, ऐसे शेप को क्या बोलेंगे, बेल शेप। तो ये फ्लावर बेल शेप भी होता है, एक फ्लावर है जिसका नाम है कैंपेन्यूला। तो फ्लावर कैसा हो सकता है, बेल शेप्ड भी हो सकता है। हम लोग शेप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धतूरा के फ्लावर को उलट दो तो ये बेल के समान दिखाई देगा, घंटी के समान। ये फ्लावर था, ये था अभी कैसा, ये अभी दिख रहा था फनल शेप्ड, और यूं इसको उलट दिए तो ये कैसा हो गया, बेल शेप्ड हो गया। और अगर यूं दिखाएं तो कृष्ण भगवान ऐसे ही दिखा रहे थे, सुदर्शन चक्र उनका खो गया था, वो एक धतूरा का फ्लावर निकाल के दूर से दिखा रहे थे लोगों को, ये टर्न लेता हुआ दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, ये फ्लावर के पेटल्स का एंड टर्न लेता हुआ दिख रहा था दूर से, उनको लगा यही सुदर्शन चक्र है। मतलब ये फ्लावर रोटेट भी हो सकता है, कुछ फ्लावर कैसा हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है, जिसके पेटल्स में दिखा रहे हैं, ये जो पेटल्स होते हैं ना 5, ये पेटल्स का जो टिप होता है वो किसी एक डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आता है, ऐसे पेटल्स को हम लोग रोटेट कहते हैं। तो हमने कुछ शेप दिखाया तुम्हें, पहला शेप दिखाया, यूं दिखाया तो ये कैसा था, फनल शेप। और डेटूरा के प्लांट को जब मैं उलट के ऐसे दिखा रहा था और बताया कि भगवान जी के सामने घंटी नहीं मिल रही थी और इसी को हिला रहे थे, भगवान जी समझ रहे थे कि घंटी बज रही है, तो ये बेल शेप्ड हो गया था। और कृष्ण भगवान ने यूं दिखाया तो इसको हम लोग कह रहे रोटेट शेप। ये डिफरेंट टाइप का शेप होता है, तो डिफरेंट टाइप के शेप को हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब जो हमारे पास पार्ट है वो था मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन।
अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दिखाने के लिए इस फ्लावर को हम कट कर रहे हैं और देखना मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दिखा रहे हैं। सबसे फ्लावर जैसे ही फ्लावर को हम लोग बीच से कट किए, ये देखो पांच एंथर दिख रहा है ना, ये पांच एंथर दिख रहा होगा, 1 2 3, ये देखो 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ये पांच एंथर है, ये पांच एंथर है ना। इस पांच एंथर को हम लोग दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये एक इसमें कार्पेल है, मतलब ये पांचों मेल सेक्स ऑर्गेन है और ये अकेला फीमेल सेक्स ऑर्गेन है। और ध्यान से देखो, ये मेल सेक्स ऑर्गेन के एंड्रोसियम के एक एक यूनिट का नाम हमने क्या बताया था, एक एक यूनिट का नाम हमने बताया था स्टामेन। स्टामेन के इस ऊपर वाले पोर्शन का नाम था एंथर, और ध्यान से देखो एंथर के बीचों बीच एक वाइट कनेक्शन दिख रहा है, इसी का नाम था कनेक्टिव, और ये जो दो लोब है इसका नाम हमने रखा था एंथर लोब, और ये जो नीचे का स्टॉक है ना इसका नाम हमने रखा था फिलामेंट। तो फ्लावर को बहुत प्रॉपरली देखो, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये फ्लावर का पेटल है और ये स्टामेन है, ध्यान से देखो ये स्टामेन और ये पेटल आपस में जुड़ा हुआ है। स्टामेन और पेटल कैसा है, आपस में जुड़ा हुआ है, और ये कंडीशन दिखा रहे हैं, देखो हम ये पकड़ते हैं, होल्ड कर रहे हैं और ये इसको यूं खींच रहे हैं, है ना जुड़ा हुआ, तो ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। ऐसे कंडीशन को जब एंथर का कोई भी पार्ट पेटल से जुड़ा रहता है, हम इसका नाम देते हैं एपी पेटलस कंडीशन। और अभी हम लोग एक चीज को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये पांच दिखाए, 1 2 3 4 5, ये पांच क्या है, पांच इसके मेल सेक्स ऑर्गेन है जिसका नाम है एंथर। इसका मतलब हो गया एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गेन एज ए होल कहलाता है, एक यूनिट का नाम कहते हैं स्टामेन, उसके ऊपर वाले पोर्शन का नाम एंथर, एंथर के दो लोब के बीच के पोर्शन का नाम कनेक्टिव, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज मैं सारी चीजों को दिखा रहा हूं, और फिर हमने दिखाया था एक नए कैरेक्टर को दिखा रहा हूं, फ्लावर के ये जो पोर्शन है ना जिसका नाम फिलामेंट है, देखो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये फ्लावर के पेटल से जुड़े हुए हैं, टर्म होता है एपी पेटलस। और ये देखो ये जो एंथर है ना इसका शेप देखो ये कैसा है, ये तीर के आकार का है, एरो शेप्ड है, कैसा है ये तीर के आकार का है। फिर महाभारत में जब कृष्ण भगवान का धनुष के साथ तीर उनकी खत्म हो गई थी, तो वो इसी फ्लावर के किसको तोड़े, एंथर को तोड़े और तीर के रूप में यूज किए। ये जो कहानी बता रहे हैं ना, ये स्टोरी इज रिटन बाय महेश सर, ये हमारी कहानी है ना। तो अब देखो क्या है ये कहानी की क्या हो गई, तो ये दो तीन पॉइंट हम लोगों ने सीखा। कौन सा पॉइंट हमने सीखा, सबसे पहले हमने एंथर देखा, 1 2 3 4 5, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गेन 5 है ना, उसके एक एक यूनिट का नाम स्टामेन हुआ, स्टामेन के अपर लोब्स का नाम एंथर हो गया। एंथर में कनेक्टिव के पोर्शन को बहुत ध्यान से देखो, ये व्हाइट पोर्शन जो दोनों को जोड़ रहा है इसका नाम क्या है, कनेक्टिव है। ये नीचे वाले स्टॉक का नाम क्या है, फिलामेंट है, और ये जो दो लोब है ये एंथर है। ऐसे चूंकि दो एंथर मिलते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाइथिकस एंथर का नाम दिए। तो ये हम लोगों ने देखा डाइथिकस एंथर, और इसको हम लोगों ने फिर से देखो डायग्राम में भी बना रहे हैं, ये डायग्राम बना दिए। तो मेल सेक्स ऑर्गेन का नाम हमने क्या लिखा, एंड्रोईसियम, इसके एक यूनिट का नाम क्या हो गया, स्टामेन। स्टामेन का पार्ट कौन कौन सा हो गया, ये हो गया एंथर का पोर्शन, ये बीच का पोर्शन का नाम कनेक्टिव, और नीचे वाले पोर्शन का नाम फिलामेंट। अब हम लोग इससे आगे की बात करेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गेन का पोर्शन दिखाने जा रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गेन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका और थोड़ा सा डिसेक्शन करते हैं और तुमको अब दिखा रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गेन पूरी तरह से। तो ये देखो इसको हम लोग कटिंग कर रहे हैं, ये कैलेक्स को पूरी तरह से हटा दिए, और अब ये कोरोला हटा रहे हैं, और कोरोला हटाने के बाद ये देखो अब जो पोर्शन दिखाई देगा, ये देखो अब जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट का नाम होता है गाइनोईसियम, नहीं क्या नाम इसका, बेसिकली वी प्रोनाउंस इट एज गाइनोईसियम,
गायनेशियम के इस एक यूनिट का नाम है कार्पेल और पिस्टिल। अब इसको तुम बहुत अच्छे से फिर देखो डायग्राम में, ये कार्पेल और पिस्टिल का पार्ट दिखा रहे हैं। इस सरफेस का नाम है स्टिग्मा, इस पूरे को कह रहे हैं स्टाइल, और ये जहां से निकल रहा है ये देखो एक ओवल पोर्शन दिख रहा है, इस ओवल पोर्शन का नाम है ओवरी। तो क्या क्या हो गया पार्ट, गायनेशियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके एक यूनिट का नाम रखे हमने कार्पेल और पिस्टिल, ये कार्पेल और पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा, और ये पोर्शन लंबा सा स्टाइल, और ये नीचे जो बॉडी दिख रहा है ओवल सा, ये है ओवरी। यही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट, ये जो मैंने फ्रूट दिखाया ना, यही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बन जाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होगा ना वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने पार्ट दिखाया। इस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों दिखा रहे हैं। फ्लावर को किस नाम से जानेंगे, फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग गायनेशियम की का डिस्कशन कर लें। गायनेशियम के यूनिट को हमने क्या कहा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन है जिसका नाम हमने रखा गायनोईसियम, इसके यूनिट का नाम हमने रखा कार्पेल और पिस्टिल। क्या नाम रखा हमने, कार्पेल भी कह सकते हैं इसको और पिस्टिल भी कह सकते हैं। और एक कार्पेल और पिस्टिल का जो हमने अभी देखा फ्लावर में पोर्शन, वो कौन कौन सा देखा, इस टिप का नाम हमने रखा स्टिग्मा, बीच वाले पोर्शन का नाम था स्टाइल, और नीचे जो पोर्शन था यह था ओवरी। अब ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल दिखाई देता, अगर इस ओव्यूल को हम लोग क्रॉस करें तो ये ओव्यूल दिखाई देगा। ये जो ओवरी था ना, यही देखो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब दैट ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम फ्रूट। और ये कार्पेल का नंबर कितना है ये देखना हो तो बाहर से देख के कभी नहीं पता चलता है। अगर हम इसको बाहर से देख रहे हैं ना तो पता नहीं चलता है, इसके लिए हमको ओवरी का या तो फ्रूट का सेक्शन काटना पड़ता है। काटेंगे अंदर में जितने चेंबर्स दिखाई देंगे फ्लावर में नंबर ऑफ कार्पेल उतने ही होते हैं। जैसे एक फैमिली है मालवेसी जिसका एक कॉमन मेंबर है, हम लोग सब्जियों के रूप में खाते हैं भिंडी, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर में कार्पेल का नंबर देखना हो तो एक भिंडी की गोल वाली भुजिया बनाओ, जो ही भिंडी का सेक्शन काटते हैं अंदर में तुमको क्लियर कट 5 चेंबर्स दिख रहे होते हैं। कितने चेंबर दिख रहे हैं, अभी अभी जाओ और मम्मी से बोलो कि मम्मी एक भिंडी दो मुझे, और भिंडी की गोल गोल एक दो सेक्शन काटो। सेक्शन काटने के बाद तुम काउंट करो कि इसमें कितने पार्टीशन वाल हैं, और देख के तुमको पता चल जाएगा कि देयर आर 5 पार्टीशन वाल। इसका मतलब ये 5 कार्पेल का बना हुआ फ्रूट है, मतलब नंबर ऑफ कार्पेल 5, लेकिन पांचों आपस में यूनाइट कर गया इसीलिए ये बाहर से एक दिख रहा है। तो ऐसे केस में कार्पेल का नंबर जानने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, या तो ओवरी का सेक्शन काट के देखें या फ्रूट का सेक्शन काट के देखें। तो ये हम लोग देखे चारों पार्ट फ्लावर का। तो ये फ्लावर के पार्ट के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्लावर में। ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उन्हीं चीजों को मैं तुम्हें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया था, आज मैंने ये फ्लावर दिखाया तुम्हें, और ये तुमको अब ज्यादा अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो फ्लावर के चार पार्ट हो गए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनेशियम। गायनेशियम के यूनिट को हमने कार्पेल और पिस्टिल कहा, और जब कई कार्पस आपस में मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो टर्म हमने बताया था, तब इसको हमने सीन कार्पस शब्द का प्रयोग किया था। सीन मतलब जुड़ा हुआ है ना, और जब ये फ्री रहते हैं आपस में तब हमने एपोकार्पस शब्द का प्रयोग किया। तो ये दो डिफरेंट टर्म हो गए। गैमो और पॉली शब्द का प्रयोग हम लोग यहां पे नहीं कर रहे हैं, यहां जो दो नए शब्द हैं वो हैं एपोकार्पस एंड सीन कार्पस, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एपोकार्पस एज वेल एज सीन कार्पस कंडीशन। तो ये फ्लावर के चार पार्ट हो गए। ऐसे फ्लावर को जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन मिलता है हम लोगों ने बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम दिया, और जिन फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मिलता है, फ्लावर में या तो मेल मिलता हो या फीमेल मिलता हो, तो हम इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल मिले तो इसका नाम हमने रखा था स्टेमिनेट फ्लावर। ये हमने मेल का सिंबल बताया था है ना, गोल करके ऊपर हम लोगों ने एक एरो का साइन दे दिया, ये मेल का सिंबल है। और अगर गोल करके नीचे प्लस का साइन दे दें, ये फीमेल का सिंबल है, और ऐसे फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं। तो ये टर्म हम लोगों ने यूज किया, पिस्टिलेट कहते हैं। तो फ्लावर कितने तरह का हो गया, इफ इट इज मेल तो टर्म हो गया स्टेमिनेट, इफ इट इज फीमेल देन द टर्म इज पिस्टिलेट, है ना। तो ये दो टर्म हमने प्रयोग किया।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे।